पाइपों में जो एयर है उसको क्लीन कैसे कराना है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आप अगर एयर क्लीनिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एयर क्लीनिंग कराने के बाद भी अगर आपका प्रिंट ओके नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो चलिए सर दोस्तों शुरू कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। प्रिंटर को शट डाउन करें और दोनों जो लीवर हैं आप देख सकते हैं दोनों साइड के लीवर, ये हमें क्या करने हैं ऑन करने हैं, क्योंकि अगर पाइपों में ऑन नहीं करेंगे तो पाइपों में एयर वापस से जा सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हेड को बाहर की तरफ खींचना है, हेड हमारा बाहर आ गया है। अब सबसे पहले हमें एक स्क्रू रिमूव करना है, ये स्क्रू मैं रिमूव कर लेता हूँ। ऊपर का कैपिंग आपको रिमूव कर लेना है। कैपिंग हटाने के बाद ये कवर खुल जाएगा, इसका ध्यान रखना है, इसको वापस भी आपको को लगाना है। ये दोनों स्टेट खुले हुए होने चाहिए, आप फिर से नोटिस करेंगे ये बात। तो आप देख पा रहे हैं लीवर है, ये आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद इसको ऊपर की ओर उठाना है। ये हमारा काम हो चुका है। चलिए अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। अगर आप यहाँ पे पाइपों में एयर क्लीन कराना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लें, मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है और क्लीनिंग वहाँ पे आप देख सकते हैं, करा सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अगर क्लीनिंग कराने के बाद भी आपका प्रिंट अगर ओके नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। आपको दोनों कांटे जो है वो एक अच्छी तरह से रिमूव कर लेनी है, इनको बाहर निकाल लीजिए। ये कांटे जो अपनी है ये कलर कांटेज है, सॉरी ब्लैक, और उसके बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करके और आप इसको बाहर निकाल लीजिए। ये अपने अब दोनों कांटेज बाहर आ चुकी है, ठीक है। अब इन कार्टेजेस को कैसे साफ करना है ये आपको मैं बता देता हूँ, तो अब बने रहिए आप वीडियो के साथ। अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, मान लीजिए पाइपों में जो है वो एयर है, इस वजह से इसके अंदर जो भी इंक है वो भी थोड़ी खाली हो गई है, तो इसलिए सबसे पहले हम इस कार्टेज में इंक डालेंगे और वो कैसे डालनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, आप देखते रहिएगा। ये जो लीवर है इसको आपको डाउन स्ट्रेट करना है, डाउन करना है और उसके बाद इसको थोड़ा सा खींच लीजिए, तो इसमें अगर पाइपों में एयर भी होगी तो वो भी आपकी क्लीन हो जाएगी, प्लस हमें जितनी इंक चाहिए उतनी भी हमें मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस पर सिरिंज लगा लेता हूँ। सिरिंज लगाने के बाद हमारी सिरिंज तैयार हो गई है और हमारे पास है एक कार्टेज, तो कार्टेज भी मैं डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे कार्टेज बिल्कुल खाली हो गई थी तो मैंने यहीं से थोड़ा सा इंक निकाल के और इसके अंदर प्रेस कर दिया है ताकि ये कार्टेज हमारी फिर से काम करने लग जाएगी। हम दोस्तों मैंने एक पहले वीडियो डाला था उस पर काफ़ी मेरे दोस्त हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि भैया क्लीनिंग तो करवा चुके हैं, जो पाइपों में एयर थी वो भी हमने रिमूव कर दी है लेकिन फिर भी जो प्रिंट है वो साफ नहीं आ रहा है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रिंट आपको साफ कैसे लेना है। अगर आप सिर्फ एयर क्लीनिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें। तो मैंने अभी इसमें इंक इंसर्ट की है, ये हमारी कार्टेज अभी तैयार है, इसको मैं साइड में छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है कलर कार्टेज, और कलर कार्टेज में जो है वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा इंक प्रेस करेंगे और कैसे करना है वो आप देखते रहिएगा।
और ये अभी हमारा रेडी मोड में है कार्टेज। अब इसको कार्टेज को एक बार छोड़ देते हैं और ये अप स्टेट में रखना है। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, दोनों को ही अप स्टेट में रखना है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। और अब आपको मैं आगे की डिटेल पूरी बता देता हूँ। तो प्रिंटर का आप थोड़ा सा पीछे खिसका देते हैं। और तो चलिए दोस्तों आगे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया है यहाँ पे और अपनी दोनों कार्टेज रेडी है। आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, कैसे करेंगे वो आप देखते जाइएगा। सबसे पहले मेरे पास एसीटोन है, या अगर आपके पास एसीटोन अवेलेबल नहीं हो तो नेन पॉलिश जो रिमूवर आता है बाजार में 10 रुपए की बोतल छोटी सी आपको मिल जाएगी, वो ले सकते हैं। और वो भी अगर ना मिले तो थोड़ा सा पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने थिनर की 2 या 3 बूंद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके सामने। ओके, बूंद लेने के बाद जो ब्लैक कार्टेज है वो इसको मैं इसके ऊपर सिर्फ आपको रखना है, प्रेस नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, सॉरी रब नहीं करना है, इसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ आपको धीरे से रख के और नीचे अंगूठे की सहायता से इसको प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो कार्टेज है उसमें से इंक जो है वो एकदम क्लियरली बाहर आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी इंक बाहर आ रही है। आपको इसको रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, केवल पेपर पे रखिए और थोड़ा सा ऊपर से इसको प्रेस कर दीजिए, नीचे अंगुली लगा के, नीचे की साइड अंगुली लगा के थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कार्टेज बिल्कुल ओके है, इसको छेड़ना ही नहीं है। और सेकेंड जो कार्टेज है उसको हम देख लेते हैं पहले, इसकी प्रिंटिंग की क्या हालत है। आप देख सकते हैं इसमें भी प्रिंट ठीक ठाक आ रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल बन रहा है। अगर कुछ में किसी में एक में नहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं तीनों कलर हमारे बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, कहीं कहीं ये कलर थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। तो अपने पास ऑप्शन है, अपने से फिर से एक बार 2 बूंद डालेंगे थिनर की। थिनर इसमें क्या होगा, छोटी मोटी अगर क्लोटिंग होगी तो वो क्लियर कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा। ठीक है, अब आप ये पूरा करने के बाद एकदम बिल्कुल फ्रेश पेज पे और इसको एक बार रख के देख लीजिएगा कि आपकी जो इंक है वो प्रॉपरली आउट हो रही है या नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं मेरी जो इंक है वो प्रॉपरली आउट हो रही है, फिलहाल एकदम ओके हमारा काम चल रहा है। अब दोस्तों कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनका कमेंट आता है कि भैया ये भी करा के देख लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आपको एक छोटा सा प्रोसेस और कराना है यहाँ पे, एक छोटा सा काम और करवा के देख लीजिएगा। वो काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सीरिंज लीजिए, ऊपर की जो सुई है उसको रिमूव कर देना निडल को, और इसमें फ्रेश एयर भरिए, अंदर इंक नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए इसमें इंक है थोड़ी सी, तो आपके पास इंक नहीं होनी चाहिए। उसको करने के बाद अगर फिर भी आपकी जो नोजल नहीं खुल रहे हैं, क्लोटिंग क्लियर नहीं हो रही है, तो आपको करना है इसमें एयर ले लीजिएगा और एयर लेके आप इस पर प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इस पर रख के और एयर को प्रेस कीजिएगा अंदर। तो अंदर जैसे आप एयर प्रेस करेंगे कि छोटी मोटी क्लोटिंग होगी तो वो निकल जाएगी और आपकी जो इंक है वो प्रॉपरली स्मूथली रन होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको पैक कर लेते हैं अपने और पैक करके इसकी प्रिंटिंग देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे अपने इसको वापस रखने जा रहे हैं, पहले सी कलर रख दिया मैंने, ओके इंसर्टेड, और ये फिर रखा मैंने। ठीक है, अब अपने इसको प्रेस डाउन करेंगे दोनों को, ये इसमें मैंने इसको इंसर्ट किया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये लीवर भी अप स्टेट में है और ये लीवर भी अप स्टेट में है, दोनों अप स्टेट में ही रहने चाहिए जब तक आप इसको पूर्णतया पैक नहीं कर दो।